आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज़, सबसे तेज सटीक खबर। सहभागी हो ताकि हम उनको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकें, हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें। जो लोग हमारी मदद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बात को सुने और हमें सहयोग करें। और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे DPO सर की, जिन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, और मैं इनका धन्यवाद देती हूँ अपने दिल से। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था ने इस डिस्ट्रिक्ट में काम करके काफ़ी हम लोगों को अचीवमेंट्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। और उसमें एक सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल के कुछ 6 रोगी बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया था, जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया, मेरी संस्था को सम्मानित किया गया है हमारी गवर्नर द्वारा। वो 18 अगस्त को कार्यक्रम था सिरहौल में, और इसके बाद हमें 31 अगस्त को किया है कानून मंत्री जी ने किया है सम्मानित। ये इसलिए किया गया है कि हमने इमरजेंसी के लिए कोविड के समय में जो कार्य किए हैं उसकी प्रशंसा के लिए मुझे प्रशस्ति पत्र मिला, और कल मुझे उसके लिए बुलाया गया था, उन्होंने अपने निवास स्थान पर बुलाया था, उनकी पत्नी द्वारा हमें फिर से पुरस्कृत किया गया। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनको करके उनके परिवार बचाने या और भी जो सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हम संचालित करते हैं जी, और जिले स्तर पर ये क्योंकि महिला कल्याण विभाग मेरे पास है तो इसका आदेशन मेरे द्वारा होता है। इस बार मैं ये प्रयास कर रहा था कि ज़िले में जो और संस्थाएं जैसे मेरा वन स्टाफ सेंटर काम कर रहा है और महिला सहायता केंद्र पुलिस विभाग का, उनको कोऑर्डिनेट कर दें जिससे कोई महिला जो यहाँ भी हमारे तहसील में आ गई, DM के यहाँ गई, कप्तान साहब के यहाँ गई, तो वो एक प्लेटफार्म में आ जाए। तो अगली बार मेरा यही प्रयास है जिससे कि सुविधा हो जाए, एक महिला कई जगह जोड़ती है वो हमारे पास आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए मैं इस मीटिंग में आज शामिल हुआ हूँ। मेरा प्रयास होगा कि इससे जो है अधिकतम लाभ जो क्योंकि तो बहुत परेशान महिलाएं होती हैं, हिंसक महिलाएँ, और व्यापक इसका क्षेत्र भी आप देख ही रहे हैं, आप लोगों को भी मिलती होगी बहुत सारी महिलाएं कि हमको कोई सहायता नहीं मिली। तो हमारा ये प्रयास है कि अब ये इसको एकीकृत करके इसको और सुविधाजनक और प्रभावशाली। सर आज मीटिंग में आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तो फिर मुझे और व्यापक करना है, और मैडम बहुत अच्छा काम भी करती हैं हमारी, कई बार ये पुरस्कृत हैं, हम लोग भी लगातार लगे रहते हैं इनके साथ।